नमस्कार, न्यूज क्लिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का वजूद धीरे धीरे आलोचनाओं की धूल से धुंधला होता जा रहा है। शायद ही ऐसा कोई दिन होता हो जब पार्टी का अपना ही कोई पार्टी की आलोचना न करता हो। कभी 50 साल तक पार्टी का साथ निभाने वाले गुलाम नबी आजाद बेहद तल्ख टिप्पणियों के साथ खुद को अलग कर लेते हैं, तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता ऐसे वाक्य बोलते हैं कि वो कब पार्टी को अलविदा कह जाएं कुछ पता नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि इन सबकी और बहुत नाराज कांग्रेसियों की शिकायत में एक समानता है, वो ये कि कांग्रेस के पास मजबूत लीडरशिप नहीं है, यानी कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी को चलाने वाला एक अध्यक्ष नहीं है। अगर कुछ है तो वो महज गांधी परिवार। हालांकि अब ऐसा लगता है कि गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ढूंढने निकल पड़ी है। पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कितनी बार बकायदा चुनावों के जरिए अध्यक्ष चुना गया है और पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव होते कैसे हैं। ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। आपको याद होगा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के लिए राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद न चाहते हुए भी सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कमान संभालनी पड़ी थी। अब क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसे में वो जमीनी राजनीति में इतनी सक्रिय नहीं हो सकी, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक कई विधानसभा चुनाव हार गई। हालांकि फ्रंट पर राहुल गांधी ही रहे और कांग्रेसी कहते हैं कि वे उन्हें अब भी अपना नेता मानते हैं, इसलिए वे बार बार राहुल गांधी से फिर से अध्यक्ष पद संभालने की सिफारिश करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरीश रावत जैसे नेता कह रहे हैं कि वो आखिरी वक्त तक राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी बड़ा है कि जब ज्यादा कांग्रेसी राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तो फिर वो किसी का मान क्यों नहीं रख रहे और क्यों इस पद से दूर भाग रहे हैं। पहला कारण ये है कि कांग्रेस में G23 समूह हो या पुराने कांग्रेसी नेता, एक धड़ा हमेशा से राहुल गांधी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। गुलाम नबी आजाद ने भी राहुल गांधी पर अपरिपक्व और बचकाना व्यवहार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले नेता, चाहे वो कपिल सिब्बल हो या जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह हो, लगभग सभी नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन लोगों का कहना है कि कांग्रेस अब परिवार की पार्टी हो गई है। राहुल पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अध्यक्ष पद के बाद से पुराने कांग्रेसियों को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। अगर दूसरे कारण की ओर जाएं तो शायद ये होगा कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी पार्टी की कमान संभाल रही हैं। राहुल गांधी के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा बनने के बाद से कांग्रेस 49 में थे 39 विधानसभा चुनावों में और 2 लोकसभा चुनावों में हार चुकी है। इन 2 कारणों के अलावा और बहुत सी बातें हो सकती हैं जो राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए अखरती होंगी, जिसमें से एक बात इतिहास को याद करते हुए जोर देना बेहद जरूरी है कि जिस तरह राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई करने वाले हैं, ऐसे ही 1983 में चंद्रशेखर ने भी पदयात्रा निकाली थी। बाद में वे भारत के 8वें प्रधानमंत्री भी बने। आपको बता दें कि जब चंद्रशेखर ने पदयात्रा की शुरुआत की थी तब उनकी पार्टी समेत बाकियों ने भी खूब मजाक बनाया था, लेकिन उनकी यात्रा में वो ताकत थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय कर लिया। वैसे तो चर्चा गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष को लेकर चल रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सूची में सबसे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कई और भी ऐसे बड़े नेता हैं जो नॉमिनेशन कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से वरिष्ठ कांग्रेसियों के राहुल गांधी के पक्ष में बयान आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अंततः राहुल गांधी को मानना ही पड़ेगा। आजादी के 75 सालों में 40 साल नेहरू गांधी परिवार से कोई ना कोई अध्यक्ष रहा, तो 35 साल पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर रही। पिछले 3 दशक में सिर्फ 2 ही मौके ऐसे आए हैं जब बकायदा चुनाव के जरिए अध्यक्ष चुना गया। पहला 1997 में सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट ने पर्चा भरा था। इस चुनाव में सीताराम केसरी
6,224 वोट पाकर जीत गए थे। वहीं पवार को 882 और राजेश पायलट को 354 वोट मिले थे। दूसरी बार चुनाव साल 2000 में हुआ, तब सोनिया गांधी को कांग्रेस के भीतर से दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद से चुनौती मिली। हालांकि सोनिया गांधी को 7,448 वोट मिले और वो पार्टी की अध्यक्ष बनी। वहीं प्रसाद को कुल 94 वोट ही मिले। सबसे पहले चुनाव के लिए सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष यानी सीईए का गठन किया जाता है। सीईए का अध्यक्ष कौन होगा, इस टीम में किसे शामिल किया जाएगा, इसके लिए मौजूदा पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिलकर फैसला करते हैं। अथॉरिटी का गठन हो जाने पर इसी के सदस्य पूरा चुनावी खाका तैयार करते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की शुरुआत सदस्यता अभियान से होती है। यह अभियान करीब एक साल तक चलता है। सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद बूथ कमेटी और ब्लॉक कमेटी बनाई जाती है। इसके बाद जिला संगठन बनाया जाता है। इन कमेटियों का गठन भी चुनाव के आधार पर किया जाता है। कई बार इन्हें निर्विरोध भी चुन लिया जाता है। ब्लॉक कमेटी और बूथ कमेटी मिलकर प्रदेश कार्य कमेटी का प्रतिनिधि या पीसीसी डेलीगेट चुनते हैं। हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। इसके बाद हर 8 पीसीसी पर एक केंद्रीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि या आईसीसी डेलीगेट चुना जाता है। एआईसीसी और पीसीसी का अनुपात 1:8 का होता है। पीसीसी डेलीगेट्स के वोटों से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव किया जाता है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति चुनाव के लिए हर प्रदेश में एक रिटर्निंग अधिकारी और 1-2 APRO यानी राज्यों के आकार के मुताबिक असिस्टेंट प्रदेश रिटर्निंग अफसर नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बनते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के किसी भी व्यक्ति को बतौर प्रस्तावक 10 PCC डेलीगेट्स का समर्थन हर हाल में चाहिए होता है। ऐसे में कांग्रेस के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है तो उसे पहले 10 PCC डेलीगेट्स को अपने समर्थन में जुटाना होगा। उम्मीदवारों के नामों को रिटर्निंग अधिकारी के पास भेजा जाता है और चुनाव के लिए एक तारीख निर्धारित की जाती है। फिलहाल देश की सबसे पुरानी पार्टी के हालात इन दिनों बेहद गंभीर हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुना जाएगा, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि अध्यक्ष चाहे गांधी परिवार से हो या गैर गांधी परिवार से हो, कांग्रेस के नेताओं से समन्वय बिठा पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 17 अक्टूबर का दिन तय किया गया है, जबकि 19 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। इन तारीखों के अलावा एक शर्त ये भी है कि अगर अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार ही होता है तो 30 सितंबर को ही नतीजों की घोषणा की जा सकती है, जिसकी फिलहाल ज्यादा उम्मीद है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए न्यूज़ क्लिक को।